कॉम्प्रोमाइज ऑफ थ्रूआउट द कंट्री। भारत के ईटानगर से लेकर द्वारका तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज यहां पर आने की, यहां पर इस प्रकार का दायरे के अंदर शांतिपूर्वक हमारे इस जो चाहते हैं पीएसएल लाखों कर्मचारी, इस प्रकार के कार्यक्रम यही पार्लियामेंट सीट में सदियों से आते जा रहे हैं। वैसे इससे पहले के सदियों से बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम में यह भी आप जुड़ गए, जुड़े रहे हैं, इसके लिए दिखाई दे रही है। और मैं पुलिस अधिकारियों को, मीडिया वालों को धन्यवाद करता हूँ। हम किस प्रकार की शांति हम यहाँ पर चाहते हैं, किस प्रकार की शांति से हम काम कर रहे हैं, किस प्रकार की शांति से हमारे हक सरकारों से मांगते आए हैं, सरकारों से मांग रहे हैं भाइयों, इसके लिए सभी अपने सभी यूनियनों के अपने कर्मचारियों को मैं सभी यूनियनों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम भाइयों, आज एक विशेष धन्यवाद मैं मीडिया वालों को भी करता हूँ। हम चाहते हैं शांति और हम दिखा चुके हैं पिछले सरकारों को और आज के सरकारों को, मगर सरकार चाहती है क्रांति। आज के जिम्मेवार इस सारे एपिसोड का, सारे कार्यक्रम का जिम्मेवार भारत सरकार है। भारत सरकार, यह मोदी सरकार, कानून बनाने वाले भी वही है, कानून तोड़ने वाले भी वही है। अगर कोई भी कानून खोलते हैं, तोड़ते हैं, तो गुनहगार बनते हैं। जब गुनहगार बनते हैं तो सजा होती। क्या आज सरकार इस स्थिति में आई है, गुनहगार की सजा की स्थिति में आई है? कानून हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं और हमारे बीच में फ्रेम ऑफ लॉ के अंदर है। फ्रेम ऑफ लॉ के अंदर जब तक अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के धारे हैं और हमारे एलिजिबिलिटी जो लायक हम हक से हैं वो सारे हमें देने हैं और हम पाने हैं। और इसके लिए आपने देखा है, अधिकारियों ने देखा है, सरकार ने देखा है, प्रधानमंत्री देखा है, संचार मंत्री देखा है, मगर संचार मंत्री कहते हैं भाई हमारे पास पैसे नहीं है तो कहां से देंगे। उल्टा प्रश्न हमसे पूछते हैं। देखिए भाइयों, आपको ये मालूम है, अगर मालिक होता तो मालिक आना निभाया तब मालिक कहलाता। आज हमारे या तो मंत्री कोई भी हो, या तो प्रधानमंत्री हो, या संचार मंत्री हो, देश के मालिक है। मगर जब आप मालिकाना नहीं निभाते हो, काहे के मालिक, काहे के प्रधानमंत्री, काहे के संचार मंत्री, तो यह बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी, ये शोभा नहीं देती है। अगर भाई आप जो है ना इतना अप्रिशिएट करने हो, किस शांतिपूर्वक हमने काम किया, किस शांतिपूर्वक कानून के अंदर, दायरे के अंदर जैसा आज हमारी कार्यक्रम हो रही है, उसी हिसाब से जब से हम पीआरसी के जितने भी मांगे, लायक मांगे, जायज मांगे, हक के मांगे, जितने भी हैं, हम दायरे के अंदर शांतिपूर्वक चाहते हैं, तो आप जो है कानून का धिक्कार करते हुए हमको मजबूर कर और आप जिम्मेदारी होते हुए आप जिम्मेवार न लेकर हमको इस प्रकार की स्थिति में लाने की पूरी जिम्मेवारी। हम कभी भी क्रांति नहीं चाहते, इसलिए इस क्रांति का जिम्मेवारी आगे होने वाली और अंगार बढ़ेगी, अंगार लगाने वाले आप जो हो गए हैं, ये आप हम इस मंच से मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को, आप आगे होने वाली अंगार से बचिए और इसको शांतिपूर्वक ढंग से सारा कानून के दायरे के अंदर जो कर्मचारी, सारे कर्मचारी ही नहीं, कार्यरत कर्मचारी ही नहीं, पर जितने भी रिटायरी एम्प्लॉयज है, जब से मतलब पूर्व पीएसएल बनने से पहले, या तो पीएनटी से हो, या तो टेलीकॉम से हो, सभी पूरे रिटायरी एम्प्लॉयज के लिए अरुण जेटली जी क्या करते हैं, बजट के इसमें वो एक स्टैट्यूट, मतलब स्टैट्यूट मींस लॉ, लॉ के माध्यम से एमपी एमएलए को क्या करते हैं, वो जो है ना ऑटोमेटिक रिविजन की कानून बनाते हैं। जब उनकी कानून वो बनाते हैं भाई, ये रिटायरी एम्प्लॉयज पीएनटी के, टेलीकॉम के, बीएसएनएल से जो रिटायर होते हैं, उनको स्टैट्यूट के माध्यम से, पेंशनर्स का स्टैट्यूट के माध्यम से ऑटोमेटिक रिविजन क्यों नहीं करते हैं, क्यों स्टैट्यूट नहीं लाते हैं, तो ये भी उनके सरकार के सामने मुद्दा है। तो भाइयों, आज इस
प्रकार की स्थिति आप जिम्मेवारी लेते हुए आगे के अंगार न भागा कर हमारे जो पांच चायक मांगे हैं वो पीआरसी थर्ड पीआरसी के आप पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मुक्त नहीं हो सकते और आप जो है ना ऐसे ही एस्केप नहीं हो सकते। अगर पैसा नहीं है तो आप प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए भाई हम आपकी सरकार की टेलीग्राम की पॉलिसी की नीति की काम बीएसएल के कर्मचारियों के माध्यम से करवा रहे हैं और आप हमें रिएम्बर्स करिए, हमको जितने हक से बीएसएनएल जितने हक से आपकी पैसा हमको रिएम्बर्स नहीं कर रहे हैं। तो वो इस प्रकार जो है प्रधानमंत्री से अपनी संचार मंत्री कर्मचारियों के हित में बीएसएनएल उद्योग के हित में और आप हमें सारे हक से मिलने वाली सारे आप जो है करनी है रिटायरी वालों को स्टैट्यूट के माध्यम से ऑटोमेटिक रिविजन का 10 साल का सतीश चंद्रा जो कमेटी थी वो भी खुल गई, वो भी जो है नका थी। तो तब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है स्टैट्यूट बनाने का। उसके साथ ये वेज रिविजन हर 10 साल में एक साथ हो गए, आप सरकार अप्रिशिएट नहीं कर रही है। हम जो है किस प्रकार शांति है आपको पता है, हजारों करोड़ों रुपए हमने एक एक सांस से लेकर 77 महीने तक हमारा पैसा आपको दिया और ऐसे हमारे अलाउंसेस खोया और उसके साथ साथ अभी दो दिन का हड़ताल करके सारे देश में 120 करोड़ आपके खजाने में हमने जमा किया, आपके खजाने में सरकारी कर्मचारियों का पैसा हमने आपके खजाने में जब जमा किया तो आप अपनी में नहीं करते हुए आप जो इस प्रकार की जो रीति रवैया ये बदलनी पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं बदले तो हम सारे कर्मचारी सारे देश में इकट्ठे और ऐसे ये यूनिटी से ऑल यूनियंस के माध्यम से आपको बदलने की स्थिति लाएंगे और बदलने की परिस्थिति जो है लाएंगे। तो अभी यह एक बड़ी चेतावनी है, समझदार हो तो समझिए, अगर ना समझदार हो तो छेलिए।